आई एम वेरी हैप्पी कि हर सोसाइटी का जो विजन है वो दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अगर इनको हम कंक्लूड करें, मैं सबकी बातें सुन रहा था कि हर सोसाइटी क्या क्या काम करना चाह रही है, वो सबने अपने अपने मेन मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, तो मेरे ख्याल में पहले नंबर पे सब लोग यूथ डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, कैरियर डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, हेल्थ अवेयरनेस पे काम करना चाहते हैं। तो ये मेन यही टॉपिक है जो सोसाइटीज़ को करने चाहिए और जो अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे लोग जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो कर रहा था कि शायद कोई सोसाइटी बात करेगी, वो है इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट पे लाइक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई सोसाइटी होगी जिसका नाम ग्रीन पाकिस्तान होगा, कोई ग्रीन पाकिस्तान पे बात करेगा, इन्वायरमेंट पे बात करेगा। इट्स आल्सो अ बिग इशू इन पाकिस्तान और हमें इनिशिएटिव लेना है, हम यूथ को इकट्ठे होना है इस प्लेटफॉर्म पे। अच्छा ज़रूर। तो अभी आज जो पर्पज़ है इसका कि हम सब लोग इस पे बात करना चाह रहे हैं, अवेयरनेस देना चाह रहे हैं, तो हम इसको स्ट्रेंथन किस तरह कर सकते हैं। हर सोसाइटी अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी डोमेन पे बहुत अच्छा काम कर रही है। तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एक बंदा काम कर रहा हो और उसके साथ एक मिलता है तो 11 हो जाते हैं, तो हम यहाँ पे 111 होने आए हैं। तो 111 मिलके हम ये सारे इनिशिएटिव लेंगे तो इंशाल्लाह हम एक अच्छे लेवल पे जाके काम करेंगे। तो उसके लिए हमें किसी ना किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना है। आज पर्पस ये है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी, एक ऐसी सोसाइटी या एक इसको ऑर्गेनाइजिंग मेंबर कह लें जो पूरे लाहौर की पहले फेज पे लाहौर की सारी सोसाइटीज़ को इकट्ठा करें, वहाँ पे इनिशिएटिव जो है वो डिस्कस हों, वहाँ पे हर सोसाइटी अपना इनिशिएटिव लेके आए कि हमें इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, उस पर सारे बैठ के डिसीजन लें और एक इनिशिएटिव लेके फिर इसको इम्प्लीमेंट करें। फिर सारे सोसाइटीज़ उस जब वो डिसीजन हो जाए उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करने में सारे उसकी हेल्प करें। तो जो काम एक सोसाइटी एज अ वन सोसाइटी कर रही थी वो हमें उसको 111 के तौर पे करेंगे तो इंशाल्लाह उसके रिजल्ट्स जो है वो डिफरेंट होंगे। सेकंड जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे माशाल्लाह आप सारे लोग बैठे हैं और सारे अल्लाह की रजा के लिए या उसको यूथ डिवेलपमेंट के लिए, हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं क्योंकि इकोनॉमिक्स का बंदा हूँ, एंटरप्रेन्योर में हूँ, तो इस तरह की चीज़ें जो मेरे माइंड में आती हैं कि आप लोगों को अर्न करना भी चाहिए। ये भी सोसाइटी का अहम नोट है कि अगर आप आज नहीं तो कल ज़रूरत होती है सोसाइटी में रहने के लिए, आगे जाने के लिए। तो हम कुछ इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं कि जहाँ पे हम फ्री लांसर्स को प्रमोट करेंगे। फ्री लांसिंग में हम इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट्स को, अगर आप उसको फ्री लांस के तौर पे करना चाह रहे हैं तो हम आपको जो हमारे दूसरे बिजनेस पार्टनर हैं, कॉरपोरेट फॉर्म्स हैं, उनसे अच्छे पैकेजेस सोसाइटीज़ को देंगे कि आप लोग एज अ फ्री लांसर जो है वो अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम डिफरेंट दूसरी कंपनी से बात करेंगे कि एटलीस्ट हम देखेंगे कि इंशाल्लाह 2021 में हमारे पास कोई 15-20 कंपनीज हों जिनकी फ्रीलांस प्रोडक्ट्स हमारे पास हों और ये सारे जितने भी सोसाइटीज़ में मेंबर हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हैं, वो हर बंदा एटलीस्ट कोई 50,000 तो अर्न कर रहा हो ना कहीं पर काम कर रहा है। तो अर्निंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तो इसके लिए हम एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। सेकेंडली कैरियर काउंसलिंग पर बहुत बात हुई है, तो कैरियर काउंसलिंग के हवाले से और स्पेशली स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हमने ऑलरेडी इनिशिएटिव ले लिया है और उसको हम मजीद अगली जो है वो नशस्त में डिस्कस भी करेंगे कि हमने स्किल डेवलपमेंट के कोर्स डिज़ाइन किए हैं जिसमें मैं सर आप बात कर रहे थे कि जिसमें मोस्टली एक्सेल की बात कर रहे थे, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर रहे थे, तो वो सॉफ्ट स्किल्स के हवाले से हमने कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं जो हम यूनिवर्सिटीज़ में इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं कि वो कोर्सेज एज अ ट्रेनिंग कोर्सेज यूनिवर्सिटी में करवाए जाएँ और हमने वो कोर्स डिज़ाइन कर लिए और अलहमदिल्ला 56 यूनिवर्सिटीज़ जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे बात हमारी कन्फर्म हो गई है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, हाँ जी कुछ कॉलेज में भी वो कोर्सेज रखवा रहे हैं। सेकेंड जो आज नेक्स्ट दौर है ना वो टैक्स अवेयरनेस का भी दौर है कि कोई भी सोसाइटी जब तक हम गवर्नमेंट को बड़ा ईजी है ब्लेम करना कि आपने ये नहीं किया वो नहीं किया, हर बंदा कर रहा है तो हम कुछ डिफरेंट करें ना, तो डिफरेंट करने का ये है कि हर बंदे को आजकल पता नहीं है कि टैक्स अवेयरनेस क्या चीज़ है। टैक्स अगर हम उसको